शार्क टैंक सीजन 2 में इस हफ्ते आगे देखिए। हॉर्नबैक पेश करती है दुनिया की पहली फुल साइज्ड डायमंड फ्रेम फोल्डिंग बाइसिकल। लेकिन ये टायर तो टच होता है यार, लेग को अनस्टेबल है कि स्टेबल है? परफेक्ट स्टेबल है लग रहा है तो मतलब प्रॉब्लम अनुपम है। प्रिय परफ्यूम प्रोडक्ट में हम बनाते हैं नाइट अगरबत्ती, जो रूम को ऐसा महका दे कि बस मूड रोमांटिक हो जाए। इसकी हवा सीधा मेरे नाक में चढ़ रही है। आपको कुछ महसूस हो रहा है? इंट्रोड्यूसिंग न्यू फिनी, आपके ब्रेन का स्मार्ट वॉच। ग्लैडफुल है इंडिया का पहला फैमिली फ्रेंडली प्रोटीन ब्रांड। आपका क्या बैकग्राउंड है? सर मैं आपकी पहले एज एन आर्टिकल ऑडिट भी कर चुका हूँ। रियली? देखो कच्चा चिट्टा बताओ। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अनॉनिमस पॉपुलर है। आपने तो शार्क टैंक की भी बड़ी बजाई थी। ये देखिए, ये तो ह्यूमर और सरकास्म चलता है। एवरी डॉग हैज हिज डे। आज के डॉबरमैन तो हम हैं। आपके पास अभी रेवेन्यू है नहीं, आप क्या बनाओगे, क्या खाओगे और हमको क्या खिलाओगे? सेल्स बताओगे अपने? 42 लाख एक महीने में। यस, ये हुई ना बात। गुड, सबकी बोलती बंद। मैं ऑफर देना चाह रहा हूँ और मैं भी आपको ऑफर देता हूँ। ने जो ऑफर दिया है टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी एंड मेक इट बिग, इन्होंने जो ऑफर दिया है टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी एंड मेक देयर कंपनी। आपने क्योंकि हमारी बुक देखी, आपको पता है मैं धंधा बनाता प्रॉफिट के था। ये सब फेकू चंद है, इसकी बातों में मत आओ। ओनली डील यू हैव, हां या ना? जर्मनी से अपनी इंजीनियरिंग पूरी करके आज शार्क टैंक में हमारे पहले पिक्चर्स आ रहे हैं अपनी अनोखी दिमागी मशीन के साथ, जिससे वे करेंगे शार्क्स के दिमाग का प्रेशर टेस्ट। रिलैक्स। हाय शार्क्स। हाय। सुबह से इतने सारे पिचेस सुन के थक तो जरूर गए होंगे आप। सो प्लीज मेरे साथ एक लंबी सी सांस लीजिए और अब अपनी आंखें बंद करके अपने ब्रेथ पे फोकस कीजिए। आप चेक तो नहीं लेके भाग जाओगे? नहीं नहीं भागूंगी। Well said, Vinita. Whoa. Whoa. कर रहे हो भैया? तो शार्क, ये एक्सपेरिमेंट बस ये दर्शाने का तरीका था रेगुलर लाइफ में हमारा अटेंशन किस तरीके से हमारी स्ट्रेस और हमारे डिस्ट्रैक्शन से इम्पैक्ट होता है। याद है 3 इडियट्स में रैंचो ने क्या कहा था? ये इंजीनियर बहुत चालू है, यहाँ का प्रेशर आपने की कोई मशीन ही नहीं बनाई। इन इंजीनियर्स ने वो मशीन बना दी है। मेरा नाम है रिया रुस्तगी और मैं भव्य मदान। वी बोथ आर 28 एंड फ्रॉम न्यू दिल्ली। इंट्रोड्यूसिंग न्यू फिनी, आपके ब्रेन का स्मार्ट वॉच। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको आपको अपने सर पे पहनना है। आप अपना स्ट्रेस, अपना फोकस, अपना अटेंशन और यहाँ तक कि अपना मूड भी ट्रैक कर सकते हैं। उसको इम्प्रूव करने के लिए हम आपको मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और क्या था, म्यूजिक, और म्यूजिक भी रिकमेंड करते हैं। गुड टीम। हमने न्यूफिनी को मार्केट में 4 महीने पहले लॉन्च किया था। पिछले 10 साल में जो स्मार्ट वॉचेस ने फिजिकल हेल्थ इंडस्ट्री के लिए किया था, वो हम न्यूफिनी के जरिए मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं। सो शार्क, आज हम आपके पास आए हैं 1 करोड़ का ऑफर लेकर के फॉर 2% ऑफ आवर कंपनी। वाओ, 50 करोड़ की वैल्यूएशन। हमारा तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई चला गया आपकी वैल्यूएशन सुनके। जोक्स अपार्ट, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सो मच। लेकिन पहले ये बताइए, आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, कैसे मिले, कैसे सोचा कि इतना बड़ा काम ले लें? तो हम एक दूसरे को 11 साल से जानते हैं। हम अपने बैचलर्स में साथ मिले थे, लास्ट ईयर हमारी शादी हुई और हमने 3 साल पहले इस डिवाइस पे काम चालू किया था। 2016 में मेरी एल्डर सिस्टर को ब्रेन इन्फेक्शन डायग्नोस हुआ था। ऑलमोस्ट 9 महीने तक उसकी ब्रेन इन्फेक्शन अनडायग्नोस गई थी क्योंकि डॉक्टर्स उसको सर्वाइकल पेन बता रहे थे। वो वॉकिंग टॉकिंग हॉस्पिटल में खुद जाकर एडमिट हुई थी और विद इन अ वीक शी वाज इन अ सेमी कोमा कंडीशन। ओह माय गॉड। एट द एज ऑफ 25, माय गॉड, शी लॉस्ट ऑल हर कॉग्निशंस
and got paralyzed. Unfortunately, she passed away in November 2016. I'm sorry to hear that. डेडिकेशन है टुवर्ड्स दैट कि जैसे हमें ब्रेन के बारे में उस वक्त कुछ नहीं पता चल रहा था, ऐसा क्यों हुआ, कैसे जो हो रहा था एक्सेप्ट करना पड़ रहा था. मेरा गोल ये है कि ये प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी, जैसे हार्ट के बारे में हमें पता है कैसे इम्प्रूव करना है, मैं वो चीज़ ब्रेन के लिए लाना चाहती हूँ. रिया, यू आर अ वेरी ब्रेव पर्सन. थैंक यू. ओ, आई अप्लॉड यू फॉर दैट. एग्जैक्टली ये डिवाइस कैसे चलता है? सो ये पॉलीकार्बोनेट पीसी प्लस एबीएस प्लास्टिक मटेरियल से बना है. आप जो ये वाइट ब्रशेस देख रहे हैं सिलिकन बेस्ड, ये ईईजी सेंसर्स हैं जो आपके ब्रेन की रिदम को कैप्चर करते हैं. रिया जी, आप दर्शकों के लिए ईईजी क्या है सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कीजिए. सो ईईजी होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, यानी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी. जैसे ईसीजी होता है हार्ट रेट, ईईजी होता है ब्रेन वेव. इससे हम अपने ब्रेन के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं. आपकी स्लीपिंग स्टेट, रिलैक्स स्टेट, फोकस्ड फ्लो स्टेट, जिसे एथलीट्स रिप्रेजेंट करते हैं. और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है जो आपके ब्लूटूथ से, आपके फोन से या आपके डेस्कटॉप से कम्युनिकेट करके आपको वहाँ पे सारा डेटा पहुँचाता है. जैसे कि आप ऐप में देख सकते हैं कि डिवाइस अब ब्लूटूथ से फोन से कनेक्ट हो चुका है. अब जो स्टेप है वो है बेसलाइन कैलकुलेशन. तो उसमें हम आपके ब्रेन की करंट स्टेट मॉनिटर करते हैं. अब मेडिटेशन चालू हो चुकी है. सो अब मैं मेडिटेशन रोकती हूँ. सो टॉप लेफ्ट पे आप देख सकते हैं पीडीआर, पोस्टीरियर डोमिनेंट रिदम, आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी. ये आइडियली 8 से 12 हर्ट्ज के बीच में होनी चाहिए. हम इसको वीकली और मंथली मॉनिटर करके एक्चुअली आपको वार्निंग्स दे सकते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए. फिर आता है आपका मूड. मूड होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल. क्या हो गया भाई, मूड पे तुझे लिखा मूड आया है नेगेटिव. हेड मसाज कर दो उनको. नो, बट दैट मींस इट्स वर्किंग, क्योंकि यहां आके सबके स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं फाउंडर्स. एग्जैक्टली, इसीलिए तो हमको शार्क्स कहते हैं. फिर आप देखेंगे आपका फोकस किस तरीके से चेंज हुआ थ्रू आउट दोज 1.5 मिनट्स. तो अब मैं भव्य को बताऊंगी जैसे ऐप के जरिए कि आपका फोकस स्कोर है 69. अब रोज 69 आ रहा है तो आप अपने बेस्ट वर्जन पे तो नहीं हो. हाउ टू अचीव दैट टू 100%, दैट इज व्हाट वी हेल्प पीपल इन अ मोबाइल एप्लीकेशन ऑन अ डे टू डे बेसिस. ये है स्ट्रेस ग्राफ. तो ये हमने अभी नापा था सुबह. हमारा रिलैक्सेशन स्कोर वाज 100% बिकॉज वी वर रिलैक्स चिल. तो इसमें भी हम ये दिखाते हैं कि आपने कितना स्ट्रेस लेवल है और आप कैसे रिलैक्स कर सकते हैं. अगर कोई इंसान रोज उसका रिलैक्सेशन स्कोर 10% है, विच मीन्स 90% स्ट्रेस, तो दैट इज नॉट ओके. सो हम मोटिवेट करते हैं कि यू हैव टू डू समथिंग कि ये स्कोर चेंज होए. चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं. उसके प्री और पोस्ट मॉनिटर कीजिए और देखिए कि आप कैसे वो बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं. आप इसमें म्यूजिक थेरेपी, ब्रीदिंग टेक्निक्स, इवन इन फ्यूचर कॉग्निटिव गेम्स इंक्लूड करके अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर और इम्प्रूव कर सकते हैं. तो व्हाट यू आर सेइंग इज व्हाट यू कैन मेजर यू कैन इम्प्रूव. एग्जैक्टली, इफ यू कांट ट्रैक इट यू कांट चेंज इट. इसका एक्यूरेसी क्या है? 98%. हाउ डू यू नो दैट? कितने पेशेंट्स का ट्रायल या वैलिडेशन आपके पास है टू प्रूव दैट ये 98% है? हमने 14 पीपल पे गोल्ड स्टैंडर्ड डिवाइस के साथ एक ईईजी मेजर करा, साथ में हमारे डिवाइस के साथ 14 मेजर करा. अच्छा नंबर है कि बहुत छोटा है? टू बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, छोटा नंबर है. कंपटीशन क्या है विद इन इंडिया एंड ग्लोबली? विद इन इंडिया देयर इज नोबडी एज ऑफ टुडे. हम लोग न्यूरोटेक इंडस्ट्री के इंडिया में अपने आप को बिगिनर्स पायनियर्स बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली बड़े बड़े कंपनीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हमारी हेल्प ले रहे हैं उस चीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए. ग्लोबली यूएस में 2 कंपनी है मेडिटेशन स्पेस में और वेलनेस स्पेस में स्पेसिफिकली. इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 49,000 rupees. 49,000? यस. 49,000 rupees है क्यों? इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसी की कॉस्ट 34,000 है. अच्छा, ओके, गॉट इट. और एंड कस्टमर्स 49,000 पे करेंगे? पर जो पे करते हैं वो बिजनेसेस हैं. जैसे अगर मैं एक कंपनी रन करता हूँ विद अ साइज ऑफ 50 पीपल,
मेरे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मूड जानना है, या मैं एक वेलनेस सेंटर रन करता हूँ जिसमें मेरे को ये देखना है कि उनके स्टूडेंट्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसका यूज केस वहाँ पे है। सेल्स क्या है, 4 महीने हो गए लॉन्च करके। हमने एक प्री सेल्स करे थे जिसमें हमने अराउंड 12 से 15 प्रोडक्ट्स भेजे थे इन 6 countries, और लॉन्च होने के बाद भी 10 से 12 प्रोडक्ट्स बेचे हैं, और 10 products रिसर्चर्स और कॉर्पोरेट सेंटर्स और इवन साइकोथेरेपिस्ट को फ्री में गए। 40 products के लिए मैं आपको 50 crore का वैल्यूएशन क्यों दूं? आपने रेज किया क्या राउंड पहले? हाँ जी, 2.5 crore रेज किया था टोटल, वैल्यूएशन थी 15 crore प्री मनी, 17.5 crore पोस्ट। एग्जैक्टली, तो अभी तो प्री रेवेन्यू है ये बिजनेस। अब एक्चुअली रेवेन्यू में है क्योंकि इन कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स, रिसर्च स्टडीज कंडक्ट होना चालू हो चुके हैं, DRDO, CDAC, IISc, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन एंड हेल्थ साइंसेज, जो इंडिया में लौटे हैं टू गिव डिग्रीज इन योगा एजुकेशन। यहाँ पर बिजनेस कहाँ है मुझे नहीं दिख रहा है। Okay, just straight up, right? I don't want to mess with you. कि आप एक free revenue, थोड़ा कुछ बेच लिया उससे, I don't think that creates a revenue stream. ठीक है? In search of product market fit, और आप आज यहाँ आए हैं to ask for a 50 crore valuation on an unproven science. ठीक है? आप कुछ भी बोल लीजिए, brain की जो waves है, yes, you can measure them. लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन क्लियर नहीं है आज की तारीख में। न्यूरो फीडबैक टेक्नोलॉजी जो मैंने पढ़ी थी वो QEEG बेस्ड, मतलब मेरी एज में इस टाइम पे मेरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, अगर वो बाहर जाती है तो उसके बेस पे ट्रीटमेंट मेरे को ऑफर करा जाता है। तो जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है वो एस्टैब्लिश हो चुका है। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि ये एक गिमिक है या रियली एक लाइफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी है। आई रियली hope it is the latter, and I wish you the best for that. But for me right now, this is not working, so I'm out for now. पर मेरा व्यू है कि आपको इसका कॉस्ट कम करके ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर ही ले जाना पड़ेगा, बिकॉज़ कितनी कॉर्पोरेट्स इंडिया में ऐसी हैं जो ये सब करेंगी ना, पीपल डोंट हैव टाइम टू डू ऑल ऑफ दिस। इसकी कॉस्ट नहीं कम कर सकते आप? अभी ये सेंसर्स जो हैं वो अब्रॉड से आते हैं क्योंकि इंडिया में ये सेंसर्स नए बनते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि आपके एग्जिस्टिंग डिवाइसेस, चाहे आपके हेडफोन्स हो चाहे आपके ग्लासेस हो, हम उनमें EEG इंटीग्रेट करके कंज्यूमर को और एक्सेसिबल बना सकते हैं। ग्लासेस में कैसे करोगे आप ये मॉनिटरिंग? EOG करके एक चीज होती है जहाँ पे आप किसी यूजर का फोकस और उनका अटेंशन मेजर कर सकते हो। तो आपने पहले उसमें एक्सपेरिमेंट करना नहीं सोचा, क्योंकि दैट वुड हैव बीन अ मास अपील। एक्चुअली हमने कोशिश वही करी थी कि हम D2C की तरफ जाएं, बट हमने लास्ट ईयर जब प्री लॉन्च करा तो दिखा कि ये जो डिवाइस है ये कॉर्पोरेट्स और उनको ज्यादा अप्रोचेबल लग रहा है, तो हमने पिविट करके अपनी डायरेक्शन को चेंज करा। पर अगर आप हमसे 3 साल आगे की जर्नी पूछेंगे तो हमें भी यही लगता है कि D2C अगर हम मार्केट को टैप करते हैं वही हमारे लिए स्केलेबिलिटी। या बिकॉज वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा R&D में। टेक्नोलॉजी सेम रहेगा क्योंकि मॉनिटर EEG होगा, सेंसर की ब्रश छोटी हो जाएगी, मैकेनिकल डिजाइन एस्थेटिकली इजी हो जाएगा। ये चीज होगी जिसमें हमें आप लोगों की अगर मदद चाहिए होगी। मैं आपको एक ऑफर देना चाहूँगी। हाँ जी। सो बेसिकली मेंटल हेल्थ में बहुत इंटरेस्ट है मेरा। आई थिंक बहुत सारे एरियाज है जहाँ इसका यूज हो सकता है। आई वुड लाइक टू ऑफर यू अ वैल्यूएशन ऑफ जो आपका प्रायर राउंड हुआ था, विच इज 15 crores, बिकॉज दिस इज वेरी अर्ली स्टेज, और वो बनता है 1 crore के लिए 6.66%। And Namita is probably the best partner for you in this mission. दूसरे sharks को तो आने दो, पहले पत्ता काट रहे हो। आपका burn rate क्या है अभी? 12 lakh। और अभी कितने पैसे बचे last round में से? 1 lakh। 1 crore, sorry. 1 crore अभी भी बचे। 1 crore। और ये 2022-23 में आपका revenue target क्या है? हम लोग ने 1000 products का goal रखा है, so that would result somewhere around 5 crore is what we are. उसमें जैसे हम लोग जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्हें 1800 पर पर्सन पर एम्प्लॉय पर ईयर का चार्ज करते हैं। देखिए ये सारे काम जो हो रहे हैं डीप टेक के वेस्ट में हो रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि टाइम हो गया कि यहाँ भी होना शुरू हो गया। मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ आपके अप्रोच के साथ, लेकिन वो सब बातें होती रहेंगी। नमिता जी के साथ मैं कम्पीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो हेल्थ केयर स्पेस में है। आई एम हैप्पी टू कम अलोंग विद हर एट द सेम ऑफर शी मेड यू, बिकॉज आई थिंक इनकी वैल्यू बहुत रहेगी इसमें। I am okay happy to work with you. Yeah. Thank you. और मैं भी आपको ऑफर देता हूँ। ओहो, चलिए जी।
बट मेरी एक कंडीशन है, आप पीयूष को पटाओ। पटा हुआ है पीयूष, बॉर्डरलाइन पटा हुआ है। और अगर हम आपको आज ऑफर दें जिसमें हम आपको कहें यार इस 5 करोड़ की सेल को आप भूल जाओ, संक कॉस्ट है, आपकी R&D कॉस्ट है, हम काम करते हैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाने में जो स्केल हो पाए, स्टार्ट वर्किंग ऑन लॉन्ग टर्म कि 3-5 साल में क्या बन सकता है, तो आप उसके लिए ओके होंगे? हम आपस में डिस्कस कर लें अमन। देखिए आपको ये लगता नहीं है कि ये सही GTM है आपके लिए? आप खाली रेवेन्यू के लिए कर रहे हैं क्योंकि आप एकदम से तैयार हो गए दूसरी GTM के लिए। जब आप कोई प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं और एक कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए उसका एक्शन प्लान बनाते हैं तो वो एक्शन प्लान को GTM या गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी कहते हैं। आई थिंक राइट नाउ उनके पास दो रास्ते हैं। हाँ। या तो आप ये बल्क ऑर्डर्स, कॉर्पोरेट्स, वेलनेस सेंटर, ये राउट जा सकते हैं, और देन 2 साल का गैप लेके जैसे कि ये बोल रहे हैं क्रिएट अ मोर अफोर्डेबल डिवाइस फॉर मासेस, तो आपको फिगर आउट करना है कि आपको करना क्या है इस कंपनी के साथ। तो हमारे को सुनाई नहीं दिया क्या बोला, इसलिए हम करने कुछ नहीं, तुम ऑफर दो। तुमको समझ में नहीं आता मैंने क्या बोला? डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट। हम मैच करते हैं उनका ऑफर 1 करोड़ फॉर जो भी आपका लास्ट वैल्यूएशन था, बट हमें लगता है दिस विल रिक्वायर 10-15-20 करोड़, तो हम आपको आज ये ऑफर दे रहे हैं, बट आगे आपको जो कैश रिक्वायरमेंट होगी वो हम फंड कर सकते हैं। रिया एंड भव्य, वी वांट व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। हमने जो ऑफर दिया है टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी एंड मेक इट बिग, इन्होंने जो ऑफर दिया है टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी एंड मेक देयर कंपनी बिग, तो आप ये सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। आपकी कंपनी ना आपकी है, आपको जो सपोर्ट चाहिए ना वो टाइमली सपोर्ट बीच बीच में चाहिए विद मास स्केल, करेक्ट? लोग बातें करेंगे, हाथों में मत सोचना, ठंडे दिमाग से ये लगा के सोच। और ये बिल्कुल आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ। हमने ये कहा 5-7 करोड़ और ले लेना, बातें वो होती है, ये सब फेकू चंद है, इसकी बातों में मत आओ, आप डिसाइड कर गया। लेबल्स अमन, ब्रीद। मैं एक दो बार ये इग्नोर करता हूँ, फिर तीसरी बार आ जा बेटा, तेरे को भी देख लेंगे। बॉक्सिंग ग्लव्स लाऊं यहाँ? You want D2C or do you see the value in that? Because I see the value in D2C. But Namita ki manufacturing. Piyush ki manufacturing. हाँ जी। So thank you Sharks, आप सबके ऑफर के लिए हम आपके पास एक काउंटर ऑफर लेकर के आए। We want to offer you 1 crore for 5%. 20 crore की वैल्यूएशन। To whom are you wanting to offer that? जो भी ले ले। Make a choice. We are directing this offer to all 4 of you. Honestly, आपके पास अगर prior valuation नहीं होता, तो even 6.66 is very generous. I'm telling you this as a healthcare person. हमारा एक counter offer है, मेरा और अमन का। 1 crore for 5.4%, which is the pre-money of this round will be the post-money of the previous round. But आप अभी हाँ या ना बोलो, इसको खत्म करो। Close. चलो मैच किया उसको। अब मैच वैच नहीं है, अब ये मेरा काउंटर ऑफर है, अब हाँ या ना। हाँ या ना। Come on, Ria, decide. Bold. So, Shaq's deal pakki. Aapne baar maa ko reject kiya. Overconfidence. Good job, guys. Pleasure is completely ours. Well done. Thank you so much. For entrepreneurs, जैसे हमने invest किया तो दो अलग strengths आती हैं। एक technology side strength आती है और manufacturing,
और एक जो पूरा मार्केटिंग स्ट्रेंथ आती है वो अमन से आती है। या बट ये आई डोंट थिंक इस कॉम्बो के बाद किसी और शार्क की जरूरत है। आपको शार्क टैंक का फॉर्मेट चेंज कर देना चाहिए, हम दोनों काफी हैं। पिछले सीजन के सबसे अतरंगी एंटरप्रेन्योर्स में से एक जुगाड़ू कमलेश, किसानों की समस्या का हल निकालकर जुगाड़ू कमलेश अब बन गया है मालेगांव का सुपरहीरो। अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और जुगाड़ू नेचर से कमलेश और नरू ने किया था शार्क्स को इंप्रेस। 20 लीटर का जो टंकी था मैंने इस पे रख दिया, पीठ पे लेके हम स्प्रे करते वही स्प्रे हम ऐसे करेंगे। लेकिन जिस स्टेज पे आप है ना, आपको फंडिंग मिलना मुश्किल है। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आउट हूँ। आपने लोन लेने की कोशिश क्यों नहीं की? देगा कौन? मैं दूंगा। शार्क पीयूष बंसल ने जताया था कमलेश पर भरोसा। आप भारत की उम्मीद हो। शार्क पीयूष बंसल ने उन्हें आर्थिक सपोर्ट के साथ साथ एजुकेशनल और टेक्निकल सपोर्ट भी दिया, जिसके द्वारा वे अपने प्रोडक्ट को और भी बेहतर बना पाए। ये पूरी जर्नी में नरू ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, वो एक साये की तरह मेरे साथ में था। हमने दिन रात मेहनत करके एक फाइनल प्रोडक्ट भी रेडी कर दिया। कमलेश ने वो प्रोडक्ट मेरे लिए बनाया था, तो फिर आप वो बाहर के किसानों के काम आने वाला है ना, उनकी भी दिक्कतें दूर होंगी। वो एक नवजल पे वो पूरा दिन लगता था, अभी चार आदमी का काम कर रहा है, दो घंटे भी पूरा हो जाएगा, 8 घंटे 10 घंटे का काम। जैसे हम हाथ घुमाते उसी तरह हम इसे एडजस्ट कर सकते। ये जो नया तरीके से बनाया ना, वो थोड़ा लाइट हो गया, पहले था तो हीवी था। भारत तो यार ये किसान हो गया, क्यों हो गया? बिकॉज़ वर्जन बना शार्क टैंक वन में लाए हुए हैं। ये क्या वर्जन था? वो बेचने के लिए बिल्कुल तैयार है, उसकी ट्रेनिंग हुई है, पूरा उसने सीखा है। गिरेगा थोड़ा पर बहुत चलेगा और वो एक बढ़िया प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाएगा। मैं कह सकता हूँ शार्क टैंक सीजन 3 में आके शायद इन्वेस्टमेंट भी रेज कर सकता है एक अच्छी वैल्यूएशन पे। पहली खरीदी ये मेरी होगी ये मशीन। मैं आया था शार्क टैंक में किसानों की प्रॉब्लम लेके, लेकिन आज हमने वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी रेडी कर लिया है। मेरे लिए कोई नहीं आया, सुपरमैन नहीं आया, शक्तिमान नहीं आया, कृष्ण नहीं आया, लेकिन मेरे लिए पीयूष सर आए। शार्क टैंक ने एक छोटे से गांव के जुगाड़ू कमलेश को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, ताकि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं। अगर मैं कर सकता हूं तो ये कोई भी कर सकता है। नमस्ते सार्क। नमस्कार। नमस्ते। सच्चाई ये है, जीवन का सार जीवन के पार केवल परिवार ही है। कोई भी दुख दर्द परेशानी बीमारी हो, कोई साथ रहे या ना रहे, परिवार हमेशा साथ खड़ा रहता है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। सन 2006 में मैंने अमृतम की स्थापना की और 2016 तक बहुत कोशिशों के बाद मैं उसे चलाने में सफल नहीं हो सका और डिप्रेशन में आ गया। तब मेरे दोनों बच्चों ने मेरा साथ दिया और 2017 में अमृतम को ऑनलाइन ब्रांड बनाने का संकल्प किया। मेरा नाम अशोक गुप्ता है। मेरा नाम अभिनव है। मेरा नाम स्तुति और हम ग्वालियर मध्य प्रदेश से आए हैं। अमृतम एक आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल ब्रांड है जो ऑफर करता है पर्सनल केयर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आपके परिवार के लिए, मेड बाय आर परिवार। पुअर लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारे फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स कॉमन हो गए हैं और इसीलिए दुनिया को जरूरत है अमृतम की। इसमें हमने आयुर्वेदा के एंशिएंट साइंस को यूज करके इजी टू यूज फॉर्मुलेशंस डेवलप किए हैं जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में आसानी से इंटीग्रेट हो सकते हैं।
हमारे पास कंज्यूमेबल्स और एप्लीकेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स दोनों हैं, क्योंकि अमृतम का मोटो है हेल्थ इज ब्यूटी। और ये सारे प्रोडक्ट्स पीटा, USFDA और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सर्टिफाइड हैं। प्रोडक्ट्स के अलावा आप हमारी वेबसाइट से डॉक्टर कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। और आज हमारे साथ 1,00,000 से ज्यादा कस्टमर्स या अमृतम फैमिली मेंबर्स हमारी वेबसाइट से जुड़े हुए हैं। 40+ कंट्रीज में इंडिया के अलावा हमने अपने प्रोडक्ट शिप किए हुए हैं और 80,000 इंस्टाग्राम कम्युनिटी मेंबर्स हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं। हमारा सपना है अमृतम को विश्वविख्यात बनाने का, ताकि घर घर आयुर्वेद पहुंचे और लोगों की हेल्दी लाइफ बन सके। हमारी आस्क है 50 lakhs एंड योर मेंटरशिप फॉर 2% इक्विटी। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सो मच। मैं अशोक जी आपसे थोड़ा और पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे स्टोरी बताई, एक तो डिप्रेशन के बारे में बोलना वही बड़प्पन होता है, तो मैं आपकी जर्नी में थोड़ा और पीछे जाना चाहता हूँ। 2006 से 2016 तक आपने कहा कि आपने अपने आप किया, तो क्यों किया और कैसे किया, और फिर ये लोग आए तो तब कैसी फीलिंग आई, थोड़ा और बताइए उसके बारे में। इनके आने के बाद तो मुझे एनर्जी आ गई, मुझे मालूम ही नहीं था कि डिप्रेशन होता क्या है। मेरी बच्ची चूंकि मेंटल हेल्थ से इसने पढ़ाई की है, इसने मुझे समझा कि मेरे को कुछ डिप्रेशन टाइप का है, क्योंकि मैं करीब 1 साल तक घर से निकला नहीं। सो बेसिकली ये हमेशा 14 से 16 घंटे काम करने वाले व्यक्ति हैं, और एक पॉइंट मतलब 2016 में जब मेन सोर्स ऑफ इनकम जब चली गई तो पूरे ही एकदम हताश हो गए कि अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है। उसी टाइम मेरे मास्टर्स ख़त्म हुआ था क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और मैं तो बाहर पढ़ने जाने वाली थी, बट दोनों मम्मी पापा ने बोला कि नहीं हम फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, तो फिर एकदम शॉक लगा। हमको बहुत 1 साल लग गया ये रियलाइज करने में कि शायद हम दोनों को ग्वालियर वापस जाना चाहिए। तो आप दोनों ने अपनी करियर्स को डिसाइड किया एक साथ, और कि वो छोड़ के आपको ये करना है डैड को सपोर्ट। बहुत बड़ी चीज है। मेरी शुरुआत बहुत जीरो से, मैं इसलिए बहुत पुरानी बात पे जाता हूँ तो इमोशनल हो जाता है ना। मेरी मदर को पैरालिसिस हुआ था, तो मैं काफ़ी इलाज कराता था लेकिन उनको ज़्यादा आराम नहीं मिला। एक वैद्य थे और वैद्य के दवाई से उनको काफ़ी आराम मिला, वो चलने फिरने लगी। तब से मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे आयुर्वेद में कुछ ना कुछ सीखना है, करना है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं आयुर्वेद की, एक छोटी सी कंपनी में मुझे 1983 के आसपास काम मिल गया, और ऐसे करते कराते 1998 के आसपास मैंने इतना मुझे अनुभव हो गया, क्योंकि मैं इतने सारे वैद्यों से मिलके ये वो सीख के मैंने कुछ फार्मूले अपने कंपनी को दिए, और मैंने कहा ये 20 प्रोडक्ट आप मेरे लिए आप बनाओ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। मेरे जो प्रोडक्ट थे वो लगभग 15 गुना सेल बढ़ गई उसकी, और 2006 में उनके साथ थोड़ा सा खटपट हुई तो मैंने अपना काम एक किराए की जगह लेके शुरुआत कर दी। और मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि एकदम नया कॉन्सेप्ट था जो अभी तक कोई हिंदुस्तान में नहीं लाया था। मैं माल्ट लेकर आया। क्या लेके आया? चटनी टाइप आप कह सकते हैं, एक हर्बल जैम। ये वाला जो है ये ब्रेन के लिए है। इसे ब्रेन शार्पन होता है। मैं तो इसको जड़ी बूटियों का खाड़ा बोलूंगा। क्या था सर ये? सॉरी, हर्ब्स है उसके अंदर। हर्ब्स है वो, ऐसा क्लीन नहीं है, मतलब ऐसा इट्स नॉट लाइक अ सिरप। तो क्लीन करके दे देते? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ऐसे ही पीना है। ये भी पीने के लिए? नहीं नहीं, ये सर पे लगाने, बालों के लिए। ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो कुंतल केयर हेयर स्पा, आपका हेयर फॉल, हेयर थिकनेस, स्मूदर, शाइनियर हेयर, ऑल ऑफ इट। और इसका जो रिजल्ट है कंपेयर टू जो मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं नॉन आयुर्वेदिक या आयुर्वेदिक, उससे कितना बेटर है? मैं परसेंट तो नहीं बता पाऊंगा, बट हमारे पास बहुत सारे लोग और रिव्यूज हैं जो कहते हैं कि दिस इज लाइक एन अमेजिंग प्रोडक्ट, मुझे क्या नींद आती है और मेरे बाल एकदम बहुत थिक हो गए। बट इसमें अच्छा टेस्ट डाल देते, अच्छा स्मेल डाल देते। हमारा मेन पर्पस आपको
कॉस्मेटिकल वो नहीं देना एक्सपीरियंस. हमारा मेन पर्पस है कि आपको हम 100% आयुर्वेदिक चीज दे रहे हैं. Okay, makes sense. आप टेस्ट करा लीजिए, आप कुछ भी करा लीजिए, हम बोल सकते हैं कि इसमें 0.01% भी केमिकल नहीं है. प्राइस पॉइंट्स देख के लग रहा है कि आप एकदम हाई एंड पे इसको सेल कर रहे हो. ये ज्यादा एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बनाया है आपने कि ज्यादा लोकल मार्केट के लिए? लग्जरियस आयुर्वेदा है जो कामा और फॉरेस्ट, जिनका एवरेज प्राइस पॉइंट ही 1100 से 1300 है. और एक वो है जैसे डाबर या हिमालय है जो 100 से 200 पे है, ठीक है. और हम लोग को वो बीच का फिगर आउट करना था. बीच का क्या होता है ना, लोग बीच में अटक जाते हैं. जनरली मार्केट ऊपर बनता है या नीचे बनता है? करेक्ट, यू आर राइट. आपके प्राइस पॉइंट मैंने देखे, कंज्यूमेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका मॉइस्चराइजर भी था या ऑयल ऑइंटमेंट था, जो भी बोलते हैं उसको, वो 1000 रुपए का. तो जब आप कह रहे हो कि बीच का प्राइस है, वो सही नहीं है. आप जिस प्राइस पॉइंट पे, मैं आपको बताती हूँ, पर्सनल केयर, हेयर, स्किन मिला के जिस प्राइस पॉइंट पे आप ऑपरेट कर रहे हो, वो अबाउट अराउंड 500-600 करोड़ का मार्केट है. एंड मैं 100% कन्विंस्ड हूँ कि आपके प्रोडक्ट्स जो बाकी ब्रांड्स उनसे मच बेटर हैं, क्योंकि आप ऑथेंटिक हैं. पर प्रॉब्लम पता है क्या हो जाती है, कंज्यूमर को नहीं समझ पड़ती है कि असली एंड जो एक्सट्रैक्ट से बना है उसमें फर्क क्या है. तो चैलेंज बहुत बड़ा है आपके सामने. कंज्यूमर को क्विक फिक्स चाहिए, सब आपकी तरह पैशनेट नहीं होते आयुर्वेदा को लेकर. एंड कोई लेबल्स नहीं पड़ता है. चलिए आप एक काम करिए, आप सेल्स बता दीजिए. तो मैं आपको 2017 से जो हमारी जर्नी रही 2019 तक, वहाँ पर हमने अमृतम फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसी के अंदर काम किया. लेकिन 2019 में हमने अपनी नई कंपनी रजिस्टर कराई, ओनाशी नेचर प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर ब्रांड अमृतम आता है. तो आपकी दो कंपनीज हैं? हाँ, वो मैन्युफैक्चरिंग हम, क्योंकि उसके अंदर एसेट है, लैंड है, व्हीकल्स है और सारी चीजें हैं. और ओनाशी नेचर प्राइवेट लिमिटेड जो है वो कंप्लीट. पैसा किसके लिए रेज करने आए? अमृतम ब्रांड के लिए, जो ओनाशी नेचर में आती है. फिर तो 2019 से 20 हमारी जो रेवेन्यू थी वो थी 70 लाख, 2020 से 21 हमारी रेवेन्यू थी 2.6 करोड़, और 21-22 में हमारी रेवेन्यू थी 3.1 करोड़. और इस साल अभी तक हमने 1.1 करोड़ किया है और ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ पे ही हम लोग. ग्रोथ क्यों रुक गई है इस साल? मेजर थिंग तो एप्पल प्राइवेसी पॉलिसी जो पिछले साल आई, और उससे फेसबुक का ROS घट गया. वो आई थिंक इट इज इंडस्ट्री वाइज हम सब अफेक्टिव हुए हैं. तो फिलहाल आपका क्या प्रोजेक्शन है, अगले साल कितना होगा? अगर हमको फंडिंग मिलती है तो वी कैन डेफिनेटली गो अप टू 25 करोड़ नेक्स्ट ईयर एंड देन मेबी 100 करोड़ आफ्टर दैट. 3 करोड़ में प्रॉफिट कितना है अभी? हम एबिटा नेगेटिव हैं. कितना नेगेटिव है? 2021-22 में 35 लाख नेगेटिव थे जब ने 3.1 करोड़ का किया था, और अभी हम लोग 5-8% डिफरेंट मंथ में नेगेटिव जा रहे हैं. और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रॉफिट में या नेगेटिव में? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रॉफिट में है. तो सबसे पहले तो ये जो आपने ड्यूअल स्ट्रक्चर बनाया है नॉन इन्वेस्टेबल है. इनफैक्ट इवन एट दिस स्केल यू कैन रन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. अगर ये कंबाइन होता तो आपके बिजनेस की वैल्यू, जितना आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा गवा रहे हैं इनको अलग अलग करके. अच्छा, मैंने डिसीजन बना दिया है. आयुर्वेदा का एक सेगमेंटेशन होता है, जो मासेस है वो लोग या तो डाबर और हिमालय के पास जाएंगे या कामा फॉरेस्ट एसेंशियल्स फॉर प्रीमियम. और मेरे जैसे है जो थोड़े बिलीवर्स है, वो ट्रस्टेड वैद्य और ट्रस्टेड स्पास के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे. तो आपका जो है वो ना यहाँ है ना वहाँ है और ना यहाँ फिट हो रहा है. और जैसे पीयूष ने बताया, ये इन्वेस्टेबल नहीं है फ्रॉम अ स्ट्रक्चर्ड पर्सपेक्टिव, सो आई एम आउट. उस कंपनी में कितना रेवेन्यू है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में? 50-60 लाख है वो. और उसमें कितना प्रॉफिट है? उसमें प्रॉफिट तो ना के बराबर ही मान के चले आप. अशोक भाई, घर खर्च कैसे चल रहा है, अगर उसमें भी लॉस है और इसमें भी लॉस है? घर का खर्चा मैं बहुत, और भी शेयर मार्केट भी है. मैंने बहुत पहले से दूरदृष्टि से लैंड में इन्वेस्ट किया, मकानों में, तो किराया विराया ये वो सब हो जाता है. तो चलिए जी,
खुदा की किस्मत कमा रहे हैं तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सैलरी विड्रॉ मेरा खर्चा तो हां एक सेकंड कहां से सैलरी विड्रॉ उनाशी कितनी कितनी सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं जून तक हम 50,000 ले रहे थे लास्ट 2 मंथ में हमने 1 लाख आपने कोई फंडिंग ली हुई है पहले नहीं अभी कोई फंडिंग नहीं अच्छा जी गुप्ता फैमिली मुझे नहीं लग रहा है कि आज मैं आपको कोई ऑफर दे पाऊंगा जो मीनिंगफुल रहे आपके बिजनेस में आज भी नुकसान है बिजनेस अभी रुक गया है ग्रो करना इसलिए मैं आज इससे बाहर हूँ लेकिन आपकी बहुत बहुत सफलता चाहूंगा और बस नमस्कार दो तीन सवाल है मेरे तो अभी जो 1 करोड़ की सेल है इस साल की वो कहाँ से आ रही है कौन सी कंट्री से कौन से चैनल से 95% इंडिया से आ रही है 70% हमारी वेबसाइट से आ रही है और बाकी 30% marketplaces included. 1 करोड़ की सेल के लिए कितना मार्केटिंग खर्चा किया आपने? मतलब 35% मार्केटिंग खर्चा करते हैं। देखो पता है मेरे को लगता है इसका कीवर्ड बहुत महंगा होता जा रहा है आजकल क्योंकि इतने लोग आ गए हैं मेरे दोस्त की भी कंपनियां हैं 3 कंपनियां आयुर्वेदा एक्सपीरियंस आयुर्वा सब आ रहे हैं तो बहुत लोग आ रहे हैं आपको फाइट नहीं होती उनमें लेने में क्योंकि देखो मैं आपको सच बताता हूँ आपको सप्लाई बिकॉज आपकी फैक्ट्री खुद की है आपको उसमें भी फायदा हो रहा है करेक्ट फिर भी आप लॉस बना रहे हो तो ये प्रॉफिटेबल होगा कैसे तो बेसिकली अगर हम यूनिट इकोनॉमिक्स लेवल पे देखें तो हम प्रॉफिटेबल हैं बट क्योंकि हमने अपनी रेवेन्यू से ही अपना ऐप भी डेवलप करवाया है हम अमेजोन यूएस पे एक्सपैंड किए तो हमें उसमें भी इन्वेस्ट करना पड़ा फिर हमारी न्यू वेबसाइट भी शिफ्ट हुई तो हमने काफ़ी सारे अभी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स और ये सब किया है मुझे लगता है कि अभी बहुत काम बाकी है और मैंने ना बहुत सारी कंपनीज आयुर्वेदा में देखी हैं जो थोड़ा स्केल के बाद ना उनमें इश्यूज आना शुरू हो जाता है तो फॉर दोज टू रीजंस सॉरी अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट ये जो प्राइस पॉइंट और ये मार्केट है ये पहली बात तो मेरा एस्टिमेट है 500-600 करोड़ का मार्केट है अभी कम्युनिकेट करना कि आपका असली है बाकी नकली है इवन इंस्टाग्राम पे यू नो यूट्यूब पे बहुत मेहनत का काम है तो आई थिंक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यू शुड स्टे एट इट एंड ट्राई रनिंग इट प्रॉफिटेबली बट एज ऑफ नाउ एट दिस स्केल आई देखो मेरे को काफी इंटरेस्ट था आप बहुत अडेप्टेबल हैं प्रोडक्ट भी यूनिक है ब्रांड इतना ज़बरदस्त है इंटेलिजेंट टीम है एथिकल है ह्यूमिलिटी है आपको दोनों कंपनीज मर्ज कर देनी चाहिए बट इस मंच पे अभी नंबर्स नहीं आना मैं इंटरेस्टेड होता पर अभी मुझे इससे बाहर होना पड़ेगा ओनली बिकॉज मैं ये मैथ नहीं कर पा रहा हूँ बिटवीन रिटेल एंड मैनुफैक्चरिंग बट आई विश यू वेरी बेस्ट थैंक यू वैसे 25-50 लाख का नुकसान फायदा तो बहुत छोटी बात है वो सब कवर हो जाता है मेरा विश्वास है अरे दिलदार आदमी क्या घाटा और घाटी नहीं है तो जिंदगी क्या है अरे वाह कोई दिक्कत नहीं रिकवर हो जाएगा थैंक यू सर अच्छा हाय शाक्स हाय चलिए ले चलते हैं आपको आपके बचपन में अ से अनार आ से आम ई से इमली पर बच्चों को इन शब्दों को इमेजिन करने के लिए उनकी किताबों में दिया जाता है बस एक 2D फोटो सोचिए शाक्स अगर एक बच्चा अपनी उसी बुक के 2D फोटो को एक रियल टाइम 3D वर्जन से देख पाए तो कैसा लगेगा सिर्फ उसे देख नहीं पाएगा बल्कि उनमें दिए गए शब्दों की करेक्ट प्रोनंसिएशन को भी सुन पाएगा नमस्ते शाक्स मैं हूं निखिल और मैं हूं दीपांशु और हम आए हैं अपनी कंपनी होलो किताब के साथ होलो किताब एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करके स्कूल बुक्स और ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स में जान डालती है हमने एज अ बुक पब्लिशर अपने वेंचर को स्टार्ट किया और अभी तक हमने 10,000 के करीब किताबें बेची हैं हमारा मिशन है कि हम एयर फॉर एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता बनाएं ताकि हर स्टूडेंट के लिए ये टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल बने तो हमारे इस मिशन के लिए हमारी आस्क है आपकी एक्सपर्टीज़ और 45 लाख रुपीज़ फॉर 10% इक्विटी
शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। और AR एज अ फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या ट्रिगर पॉइंट था, कैसे सोचा आपने इस बिजनेस के बारे में? तो AR VR का आइडिया हमें अराउंड कॉलेज में आया 2017 में, तो तब हमने इस पे VR फॉर एजुकेशन पे काम करना स्टार्ट किया था। बट हमें तब समझ आया कि ये स्केलेबल नहीं है, हम हर घर में VR नहीं पहुंचा सकते, बिकॉज हेडसेट की कॉस्ट काफ़ी है, कंटेंट की कॉस्ट और भी ज़्यादा है। तो AR से हमने देखा कि मोबाइल इज अ अफोर्डेबल वे जिससे हम ये पहुंचा सकते हैं। ये बिजनेस कब शुरू किया? दिसंबर 2020। दो साल हो गए ऑलमोस्ट। हमारा स्पेसिफिक टारगेट है एजुकेशन सेक्टर, जिसमें है टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स और एजुकेशनल टॉय मैन्युफैक्चरर्स। बहुत से पब्लिशर है जो इसको अपने इसमें इम्बेड करना चाहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी को, तो बट वो चाहते हैं एक फुल टाइम टेक पार्टनर, बिकॉज टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है एंड कॉस्टली है, तो हम उनसे लाइक पर यूनिट चार्ज करते हैं। इसमें स्कोप भी काफ़ी है, लाइक कैटेगरीज बहुत है किस किस प्रोडक्ट में आप कर सकते हो। ये बुक्स को देख सकते हैं तो समझ आएगा आई थिंक। सो जैसे कि ये देख सकते हैं कि हमारी हिंदी की किताब है, दिखने में बहुत ही बोरिंग सी है। मैं आ जाता हूं वहां पे। सर्च प्लीज। सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा बुक सेक्शन, एंड देन हम चूज करेंगे हिंदी वर्णमाला। ओके दिस इज ऋषि। इसको आप मूव भी कर सकते हैं। ऋषि यू कैन चेंज द पेज। बहुत अच्छा। से अरे अंगूर। बहुत अच्छा है, अब सही, अब समझ में आ रहा है आपका। थैंक यू। AR एज अ सर्विस है, बहुत सारे है प्लेयर्स इन द मार्केट, तो आपका USP क्या है और आपके विचार क्या है अबाउट कंपटीशन? या अभी एज अ सर्विस में हम देखेंगे तो बेसिकली हम उसको अपनी ऐप में लिंक करते हैं, हम उनको आउटसोर्स नहीं करते हैं कि आपकी एक बार ऐप बनाकर हमने दे दी और छोड़ दिया। तो जितना भी जैसे ग्लोब है, ये भी इट्स अ पार्टनरशिप विद अ दिल्ली बेस्ड कंपनी, तो ग्लोब भी हमारी ऐप के अंदर ही एम्बेडेड है। सो मैं बताता हूँ इससे अफोर्डेबिलिटी कैसे आ रही है। जस्ट वन ऑफ द कम्पिटिटर एक सिमिलर काइंड ऑफ ग्लोब है, नॉट दैट मच, तो उसका MRP है 2000 रुपीज, बट हमारे सर्विस बेस्ड मॉडल की वजह से हम उनसे पर यूनिट सिर्फ 100 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट 40-50% रिड्यूस हो गई है, बिकॉज दे आर नॉट इन्वेस्टिंग द अमाउंट जो इसको बनाने में लगेगा, ना ही इसकी मेंटेनेंस में लगेगा, वो सब हम हैंडल करते हैं। आप एक टेक आउटसोर्सिंग SaaS कंपनी हो, सर हमें इंसिडेंटली वो ऑगमेंटेड रियलिटी में, या तो अभी तो प्रॉफिटेबल होगा बिजनेस? नहीं सर, एक्चुअली हमने जो अपना सर्विस बेस्ड मॉडल है वो लाइक अराउंड 2 मंथ्स पहले ही स्टार्ट किया है, जिससे हमने अपना फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे ग्लोब है जो हासिल किया है। FY22 का सेल्स बताइए। सो दिसंबर 2020 टू 31st मार्च 2021, तब हमने सिर्फ बुक पब्लिशिंग लॉन्च किया था, सिर्फ एक किताब थी तब अल्फाबेट्स की, तो तब हमारा सेल्स था 2 लाख रुपीज, एंड फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हमने 3 किताबें और लॉन्च की, तो तब हमारा सेल था 10 लाख रुपीज, और अभी के लास्ट के 5 महीने लेके, क्योंकि बुक पब्लिशिंग में ये थोड़ा ऑफ सीजन रहता है, तो ये था 3 लाख रुपीज। तो आप तो प्री रेवेन्यू हो गए ऑलमोस्ट। या यू कैन सी। ये सर्विस मॉडल का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है? ये जो नया डील हुआ है आपका दिल्ली में जो आप बोल रहे हैं, इसका वैल्यू कितना है ओवर व्हाट टाइम? दिस इज लाइक अ 4-5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, और कि एक साल में कितना ग्लोब बिकेगा उस पर है, पर ग्लोब 4000-5000 ईच ईयर इज लाइक ऑलमोस्ट फाइनल। लेकिन 100 रुपये ही मिलेंगे आपको उसमें से? या तो इट्स लाइक 4 लाख-5 लाख पर ईयर पर प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। सो डिपेंड करता है हम 1-2 साल में कितने प्रोडक्ट्स और ऐसे ऐड कर सकते हैं। कुछ हमारा जो कॉस्ट आता है बनाने का वो लाइक हमारा फर्स्ट ईयर में ही रिकवर हो जाएगा, सो नेक्स्ट ईयर सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा एंड वी कैन एंजॉय गुड मार्जिन। जैसे अगर कोई मैं मैन्युफैक्चरर होता और मेरी एक बुक होती, अगर मेरी कोई जनरल बुक है मैं 60 रुपये में बेच रहा, तो अगर वो 3D डाल के वो कितने की बिकेगी? मैन्युफैक्चरर से 10% से कम चार्ज करते हैं फॉर सर्विस दैट वी आर प्रोवाइडिंग। MRP अगर 60 रुपीज़ है तो मे बी मैक्स हम 6 रुपीज़ आपको पर बुक चार्ज करेंगे। लेकिन बॉस मार्जिन्स पे और प्राइसिंग पावर पे हमेशा प्रेशर रहे। मैंने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट की थी एंड अल्टीमेटली वो हर साल रिन्यू होता था कॉन्ट्रैक्ट, और वो कम हो जाता था उनका मार्जिन, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक वाले के पास इतना बार्गेनिंग पावर है, क्योंकि उसने मार्केट कॉर्नर करके रखी है। धीरे धीरे करके वो VR कैपेबिलिटीज भी ले आएंगे, 2 लोग को हायर कर लेंगे जो बैठ के कॉन्टेंट बनाएंगे, क्योंकि उनका काम ही वो है। आपके मार्जिन पे प्रेशर बना रहेगा बिकॉज यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, हाउ विल यू सॉल्व दैट? सो जैसे हम बताया कि हमारी विजन लाइक सिर्फ B2B नहीं है, लाइक एक ब्रांड नेम डेवलप करना चाहते हैं इन स्टूडेंट कम्युनिटी। आप जो बनाना चाहते हो ना ब्रांड के, हम कंज्यूमर जो आपका बच्चा है
जो आप कह रहे हो लोग किताब से करें वो गलत है, वो हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि इंसान जब बुक खरीद रहा है ना तो नॉर्मली बुक खरीदता है बुक देख के, और बच्चों को तो ये भी नहीं पता वो पढ़ क्या रहे हैं, उनको तो खाली चीजें जो हो रही हैं वो अच्छा लगता है। तो मेरे को लगता है वो लोग किताब को बुक ब्रांड बनाना गलत है, क्योंकि फिर आप फिर बी टू सी में चले गए, क्योंकि अभी आपने अपना मॉडल पिवट करके बी टू सी करा, अब आप कह रहे हो मैं फिर बी टू सी में जा रहा हूँ, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग मॉडल लगा मुझे, और फॉर दैट रीजन आई एम। इसमें आपकी दो चीजें हैं, एक तो ये बहुत अर्ली है, दूसरा कुछ डिफेंसिबल नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है अभी ये इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, ये अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, आपको इसको स्केल करना चाहिए, तो अभी मुझे नहीं लगता इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसलिए मैं बाहर हूँ। मेरा भी डिसीजन बन गया है, तो अभी आप प्री रेवेन्यू कंपनी है, B2B2C में काफी ज्यादा बिजनेस डेवलपमेंट एंड यू नो रिलेशनशिप बिल्डिंग वाला गेम होता है, तो फिगरिंग आउट कि आपका एग्जीक्यूशन इसमें कैसा होगा अभी एट 2 लाख का रेवेन्यू पर एनम काफी मुश्किल है, तो इसमें मैं अभी आउट हूँ। चलिए मैंने भी अपना डिसीजन बना लिया, मैं चाहूंगा यही कि आगे जाके आप भी बहुत बड़ा नाम कमाए, एंड यू आर वन ऑफ द टॉप डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स, लेकिन टुडे मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ कि आप वो कर पाएंगे कि नहीं, इसलिए मैं आउट होना चाहूंगा। ऑल द बेस्ट गाइस। अब मैं बची हूँ, आई वुड लाइक टू गिव यू एन ऑफर, तो मैं अब अपना ऑफर कंडीशनल करूंगी 3 चीजों पे, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। नंबर 1, ओनली एजुकेशन सेक्टर नहीं बट इवन अदर इंडस्ट्रीज लाइक फार्मा, जहाँ एजुकेशन की जरूरत है, सो नॉट जस्ट फॉर किड्स, आर यू ओपन टू दैट? सेकेंड, आपके रेवेन्यू मॉडल में मुझे बहुत फ्लॉ लग रहा है, तो रेवेन्यू मॉडल को लेके मेरे पास बहुत इनोवेटिव आइडियाज है, आर यू ओपन टू दैट? डेफिनेटली, लाइक हमने रियलाइज किया कि हम स्केल नहीं कर पाएंगे पब्लिशर बन के, तभी हमने पिवट कर लिया। आई विल गिव यू एन ऑफर ऑफ 45 लाख्स but for 25% of your company. Honestly, current state pe aap scale nahi kar payenge. Okay. Aur jitna mujhe aapko strategic input dena padega, business dena padega through my contacts, time bahut jayega. I think this is fair. Thank you for the offer. Can we close it at 20%? बॉस, 25% इज वेरी जेनरस। आपको पता है जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, पेशेंट इज क्लूलेस, तो डॉक्टर भी ये टेक्नोलॉजी लेके हार्ट दिखा के, ओवरीज दिखा के, यूट्रस दिखा के पेशेंट को कितनी यू नो इंटरेस्टिंग वे में एजुकेट कर सकते हैं। तो अगर आपका मिशन है एजुकेशन, आई एम द बेस्ट पार्ट। कहाँ आपके पास बार्गेनिंग पावर है, हाँ बोलिए यार। Prashak's deal pakki. All right. Lovely. We will educate the world in a very, very fun way. For sure. Right? Thank you. Well Thank done. You. Thank you, Shaksh. अनुपम, आज शॉक एक्सपीरियंस में प्रयागराज से राज का आपके लिए सवाल है। आपके पिताजी का एक सक्सेसफुल बिजनेस होने के बावजूद आपने खुद का बिजनेस करने का सोचा, ऐसा क्यों? हम काफी मिडिल क्लास फैमिली से थे और पिताजी नौकरी टाइप करते थे, बस अपना बिजनेस शुरू किया था, और उनको मैंने बहुत करीब से देखा अपना काम बड़ा करते हुए, 16 घंटे दिन में वो काम करते थे बिना थके हुए। जब मैं बड़ा हुआ, मैंने 1-2 साल उनके साथ काम भी किया, लेकिन बहुत जल्द समझ में आ गया कि उन्होंने जो किया है अपनी एक पहचान बनाई, और मैं उसी बात से प्रेरित होके मैंने ये समझा कि अगर मैं अपनी खुद की पहचान बनाता हूँ तो ना कि खुद मुझे अपने आप पर, लेकिन मेरे पिताजी को भी मुझ पे ज़्यादा गर्व होगा। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद अपना बिजनेस करूँगा, और वहाँ से शुरुआत हुई।